गणेश फोगाट भी है, उतना ही मजबूत जो है सुरेंद्र लाखड़ भी है, और उतना ही मजबूत कविता दलाल भी है, उतना ही मजबूत जो है कि अमरजीत डांडा भी है। अनन्य वो बता दे कौन सा कम है। अमरजीत डांडा पहले विधायक रह लिया है, जैसी गणेश फोगाट मेरी बहन जो है कि रेसलर है, इसी ही जो है कि विदेशों में जो है कि देश को जो है रिप्रेजेंट करें कविता दलाल भी है, और ऐसे ही जो है कि समाज कल्याण के लिए काम कहीं ना कहीं जो है कि हमारे जीएसटी इंस्पेक्टर जो है कि सुरेंद्र लाठड़ है। तो यह कोई ना कि भाई एक ही बंदा है, सारे के सारे एक से बढ़ के एक है रुझान। सभी दर्शकों को ऋषिपाल दून का नमस्कार। दोस्तों धीरे धीरे इलेक्शन की जो रफ्तार है वो समाप्त होती जा रही है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग हो रही है, और हमारे साथ जुड़े हैं कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता। आइए इनसे जानेंगे इनने किस तरह की रूपरेखा तैयार करी है। पहला तो जी राम राम सारे। राम 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 राम। हाँ जी, क्या नाम है जी? शर्मा जी। शर्मा जी, महामंत्री। क्या जी तैयारी करी आपने? देखो जी, हमारे पहले तो आपने बताया विधानसभा में कहते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज है, कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, आपने तो सारे हमारे जो कार्यकर्ता फरारी में सभी इकट्ठे हैं। शर्मा जी, कुछ बीजेपी से टूट कर कांग्रेस में जा रहे हो, जैसे धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र शर्मा का तो पार्टी ने उनका है काम बदलना, उसका काम को अभी सांसद प्रतिनिधि पंडित रमेश कौशिक के साथ था, कौशिक गए तो वो भी गया, बाकी हमारे पार्टी कार्यकर्ता कोई नहीं गया। अभी से सारे पार्टी कार्यकर्ता फरारी नरेंद्र के ऊपर कर पाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का ही नहीं बल्कि हर वर्ग का भला किया है। जैसे किसान सम्मान निधि योजना है 6,000 रुपये देकर के भी मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, किसानों को सहूलियत मिल रही है। और आप देखे जाओ तो कांग्रेस सरकार में यूरिया बदल लाइन ला गया दी और यूरिया मिला नहीं करा था, और आज भारतीय जनता पार्टी में घर घर यूरिया पड़ा, बेशक ठा कर लिया किसान ने न्यू वो कोनी तक भाई आज तेरा यूरिया खत्म हो गया या आज तेरा DAP खत्म हो गया, तन्ने खाद नहीं मिलेगा। जो पड़ोस में दुकान है ना उस पर भी पूरा स्टॉक रहा है, महीने 2 महीने की वेटिंग में रहने की किसान ने कोई जरूरत नहीं भारतीय जनता पार्टी में, और मुआवजा भी फूल दे रही है। जब हुड्डा साहब ने 2-2 रुपये चेक दिए थे ना भारतीय जनता पार्टी, आज 16,000 से 17,000 रुपये मुआवजा दे रही है, और बीमा करवाना है फसल का, वो कितनी बड़ी बात है भाई। थोड़ी सी भी बीमारी आती है, फसल को नुकसान होता है, तो जो भी किसान भाई है उसको किसी भी बात का दुख ना हो वो तुरंत अपना पीसा लेवा है, लेकिन अपनी जमीन का बीमा जरूर कराओ। शर्मा जी, आपने तो बहुत कुछ देखा है, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा वोट रुपये में पानी का? मुख्य मुद्दा तो सभी यही है, सब चुनाव में दूसरी बात उनसे जानना है। क्या बात है? अब ये कुछ प्रश्न का जो 6,000 देखिए सर, बीजेपी का मुद्दा एक ही है, विकास का मुद्दा, और विकास बहुत कराया भारतीय जनता पार्टी ने। जो भी इन्हें अपनी योजना निकाल ली है कांग्रेस ने, हिमाचल में देख लो कौन सी पूरी होली, 1500 रुपये महिला देने का वादा कराया था, आढ़ाई 2000 कर रहे हो, 1500 तो पहले दे दो जब तो उन्हें वादा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जितना वादा कराया है 98% पूरा किया, और ना कराओ तो आप बता दो। आपका क्या नाम है? समाज से ये जो सरकार में हम कार्यकर्ता लग रहे हैं बीजेपी में, तो हम जी मैं ऐसी समाज से हूँ सेवक बीजेपी पार्टी, कई साल से मैं संघर्ष करता रहा हूँ, एक एक दो दो को जोड़ के आज पूरी बरा मंडल ने ऐसा इतिहास बनाया, योगेश कैप्टन को हम हर मुद्दे से जिता कर हर बूथ, और मैं ऐसी मुद्दे का बूथ देते बालाराम जी, एससी है BC सब ये बात करते हैं, और राजनेता के कहते हैं हम कुछ जाति बात नहीं मानते, तो फिर ये SC BC की बात क्यों करो, मनुष्य की बात करो, मनुष्य की है ना, ये SC BC में बढ़ो क्यों? मैं तो अनुकूल, जहाँ ये जाति का कोलम है ना उसको समाप्त कर देना, समाप्त तो अभी एकदम तो समाप्त करने वाली नहीं, हमारे को चक्कर में डाल रही है अपन। हाँ ये बात है, हमारे को चक्कर में इसीलिए डाल रही है, ठीक है। तो जाति हमारा मुद्दा है, हम सबको मिलकर बराबर लेकर चल रहे हैं, बराबर है। सुनो, हमारे पास गरीब आदमियों के पास जो बड़े आदमी है वो प्रेशर भी डालते हैं, लेकिन हम जो कार्यकर्ता है
किसी का प्रेशर नहीं मांगते, हम अपनी मर्जी से हर पूरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। जो गरीब आदमियों को सहारा ही ने दिया है, आज वो गरीब आदमी को तो सहारा मिल नहीं रहा, अमीर आदमी उनको सहारा लेकर अपने आपको पलाराम जी एक विशेष बात बताना जी, किसी की सरकार हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेजेपी की हो, गरीब आदमी तो पिस्ता ही रहता है और ऐसे शोषण होता रहा है। गरीब आदमी आपको भला करने वाले नहीं, गरीब को अपने बच्चों को पढ़ाओ और खुद मेहनत करो अगर आगे निकल, ठीक है। तो हमसे आगे इन भाई योगेश से कैप्टन सिंह यही कहते हैं आने वाले को, अब ये जीत चुके हैं, अगर गरीब आदमी का जो भला कैंडिडेट करेगा, जो विधायक करेगा, एमएलए करेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, तो उसके राय पे तो चलेगा, नहीं तो गरीबों पर। एक बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 लाख आयुष्मान कार्ड दे करके हर गरीब को वो अस्पताल दिखा दिया जो सपने में भी नहीं दिखा करता, भाई बीमार हो गया लेकर जावांगे कि नहीं लेकर जावांगे, लेकिन बीजेपी ने वो काम कर दिया, अब भाई था हमने 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, अगर सारा कोई बीमार है आप इसका अच्छे हॉस्पिटल में उपचार कराइए, तो गरीब के लिए क्यों कौन करा, बीजेपी ने बहुत कुछ कराया है। और दूसरी बात, जो चिरायु योजना आई है जिसके तहत बच्चे फ्री पढ़े हैं, जिसकी इनकम 1,80,000 है, और पहले राशन कार्ड बनाया करते, पहले राशन कार्ड उसके बनाया करते जो सरपंच का पोचा मारा करता, जो सरपंच का फेरी लाया करता, आज राशन कार्ड तो मैं कैमरा कितने सरपंच आगे दिखाई दूँ जो बीजेपी ने बनाए हैं। फलाराम जी खुद से हमारे साथियों का कहना है, ये आधार कार्ड है, ये फैमिली कार्ड है, एक व्यक्ति तो घर का इन कागजे बनवाने में नहीं जाएगा। हाँ जी, देखो जी, ये तो जो एक आईडी भी बनेगी, इनका पूरा बायोडाटा लेने के बाद है नहीं, ये हमारी सरकार इसका एक के आईडी पर निर्णय होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, अगर उसकी छटनी भी होगी और होनी भी चाहिए, अगर हमें अच्छे से समझ है ना इन कागजों की, जैसे फैमिली आईडी के लिए बोल रहे हैं कि भाई वैसे उठा के भेज रहे हैं, लेकिन फैमिली आईडी एक हमारे लिए वो साधन सा तरीका है किसी दफ्तर में जाने की, किसी योजना की कोई ज्यादा ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार उसको फैमिली आईडी में ऑटोमेटिक जोड़ रही है, भाई ये इसके पात्र है या नहीं है, अब किसी भी चीज से ले लो। एक भाई साहब छोटे, हमने ये भी सुना था सरकार इसलिए आईडी बना रही है, रोजाना बांग्लादेश से यहाँ घुस रही, पाकिस्तान से घुस रही, एक आईडी तो कई बनवा रही, लेकिन कई आईडी बनवाने पर टाइम लगेगा, इस करके भी सरकार ने आईडी लगाई। ये अपने अपने स्टेट का मुद्दा है, आप अपने राज्य का मुद्दा है, हमारे खट्टर साहब ने ये लगी भाई हमारे लिए ये ठीक है, मैं गरीबों को इसके इसके माध्यम से मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, योजना का लाभ पहुँचा सकता हूँ, तो खट्टर साहब ने इसकी पहल बहुत अच्छी करी। ये थे हमारे साथ बीजेपी के कार्यकर्ता, जय हिंद जय भारत।